हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से हो रहे अवैध निर्माण और अवैध प्लांटिंग पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में कई अवैध कॉलोनी सहित बिना नक्शे के पास मकानों को एचआरडीए ने सील कर दिया है। साथ ही साथ तीर्थस्थली हर की पौड़ी के पास हो रही मंजिल अवैध निर्माण को भी सील किया गया। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कुछ दिन पूर्व अवैध रूप से हो रहे निर्माण पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। बता दें कि हरिद्वार जिलाधिकारी और हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने अवैध निर्माण और अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर एक्शन लेते हुए एचआरडीए के अधिकारियों ने बिना एचआरडीए से अपूर्व कई कॉलोनी सहित निर्माणाधीन मकानों को सील किया। विकास प्राधिकरण के सचिव उत्तम सिंह चौहान का कहना है कि विभाग द्वारा मार्च 2022 से अवैध रूप से प्लांटिंग और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अवैध प्लांटिंग और निर्माणाधीन मकानों को सील किया गया और जिन पर पूर्व में सीलिंग करवाने के बावजूद लोग निर्माण कर रहे थे। एमकेएन न्यूज की 10 रिपोर्ट।